आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभ्यास मैच में कोहली और रोहित ने ठोक डाले 700 रन तो दंग रह गया पूरा ऑस्ट्रेलिया का खेमा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले अभ्यास मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। दोनों ने अपने तूफानी प्रदर्शन से ऐसी बल्लेबाजी की जिसके बाद एक साथ कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर तूफानी प्रदर्शन किया ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ दोनों के तूफानी प्रदर्शन का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां पर भारतीय टीम ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रदर्शन करते हुए अंतिम मुकाबले में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सीरीज को अपने नाम हासिल किया। ऐसे में अब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सीरीज खेलनी है। आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तौर पर खेली जाने वाली है। आपको बता दें इस बार भारतीय टीम के टेस्ट की कप्तानी एक बार फिर से रोहित शर्मा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस के हाथों में दे रखी है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी को नागपुर के मैदान पर खेला जाने वाला है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी बीच भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का अभ्यास मुकाबले में तूफानी प्रदर्शन देखने को मिल गया है। दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए हर तरफ छक्के और चौके की बारिश कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने पूरे दिन 90 ओवर तक टीम को संभाल कर रखा। आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास मुकाबला 2 दिन के रूप में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम को पहला झटका पहले ओवर में लगा तो वहीं दूसरा झटका दूसरे ओवर में लग गया। ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को चारों खाने चित कर दिया। और बाद में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने धीमी पारी खेली, लेकिन इसके बाद दोनों ने टीम की स्थिति को समझा और पहले सत्र की समाप्ति तक अपना अपना अर्धशतक बड़ी ही आसानी से पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो दोनों ही बल्लेबाजों ने बदलाव देखने को मिल गया, जहां पर दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के करीब पहुंच गए तो वहीं दोनों ने अपना 150 रन का आंकड़ा भी पार कर दिया। हालांकि दूसरे सत्र की समाप्ति तक 380 रन की साझेदारी हो गई थी, लेकिन अंतिम सत्र में दोनों का तूफानी प्रदर्शन और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से देखने को मिल गया, जहां पर दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच दोनों ने हैरतअंगेज तरीके से छक्के और चौकों की बारिश की और अपना दोहरा शतक बड़ी आसानी से पूरा किया। तो वहीं दोहरा शतक लगाने के बाद दोनों ने अपना 300 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। इसी बीच दोनों बल्लेबाज तक नाबाद रहे और जहां पर विराट कोहली ने नाबाद 330 रन की पारी खेली तो वहीं रोहित शर्मा ने 370 रन की पारी खेलकर 700 रन की साझेदारी कर डाली और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित किया। दोस्तों भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हराने के मंसूबे से ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान में कदम रख दिया है और बिना देर किए कंगारू ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जहां दोस्तों कुछ ही दिनों में टेस्ट सीरीज शुरू होने के ठीक पहले ऑस्ट्रेलियंस एक अभ्यास मैच में एक नई टीम इंडिया के खिलाफ अपनी तैयारियों को आखिरी अंजाम देने मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में दोस्तों कब और कहां पर ऑस्ट्रेलिया करेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की खास तैयारी, वह तो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली में कौन है बेहतर टेस्ट बल्लेबाज, हमें अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों मंच सज चुका है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बिगुल बजने को तैयार है। एक हफ्ते से भी कम के समय में दो बड़ी टीमों के बीच रेड बॉल के क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भारत में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का क्वालिफिकेशन इसी सीरीज के ऊपर टिका हुआ है। लगातार दूसरा फाइनल खेलने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपने घर पर बादशाहत को कायम रखने की चुनौती होगी, जबकि दूसरी तरफ कंगारू अपने घर पर मिली इस हार का बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों इस बार ऑस्ट्रेलिया भारत को टक्कर देने के लिए कई स्पेशल तैयारी करके आ रहा है। उन्होंने भारत आने से पहले सिडनी शहर में स्पिन खेलने की खास तैयारी भी की है और एक मजबूत साइड के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए हर दांव पेंच आजमाने को तैयार है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी टीम के साथ भारत पहुंच चुका है और कुछ ही दिनों में उनके खिलाड़ी मैदान पर अभ्यास मैच में अपना जौहर दिखाने को पूरे तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेंगलुरु में मौजूद हैं और उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड से टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले एक गेम टूर करवाने की डिमांड रखी है, जिस पर BCCI ने भी अब मुहर लगा दी है, जिसके चलते अब कुछ ही दिनों में कंगारू बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया का अभ्यास मुकाबला 4 से 6 फरवरी के बीच बेंगलुरु में ही खेला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से पहले अपनी प्लाइंग 11 और रणनीति को फाइनल करने के इरादे से इस मुकाबले में उतरेगी। उनके कप्तान कमिंस ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि वह आने वाले कुछ महीनों में अपनी जिंदगी के 10 सबसे बड़े टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, जिसमें से मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी शामिल है।
ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी इस सीरीज को हल्के में नहीं ले रही है और टीम इंडिया के सामने अपना 101% देने की पूरी तैयारी कर रही है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया कप्तान रोहित शर्मा का भयंकर तूफान। टेस्ट स्कोर T20 बनाते हुए रोहित ने जोश हेजलवुड से लेकर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। उनके साथ विराट कोहली ने भी लगाया पहले दिन ही शतक। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन किस तरीके से टीम इंडिया ने छू लिया है 500 रनों का आंकड़ा, शुभमन गिल ने कितने रन ठोक दिखाएंगे, पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है? दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मुकाबला नागपुर में शुरू हो चुका है, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और नागपुर की पिच तो स्पिन गेंदबाजी की खास मददगार है। ऐसे में रोहित शर्मा की ये सोच थी कि वो पहले बल्लेबाजी करके ढेर सारे रन बनाते हुए विरोधी टीम का सफाया कर देंगे। आपको बता दें, भारत की तरफ से एक नई जोड़ी ओपनिंग करने मैदान में उतरी। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय पारी की शुरुआत करने आए थे। राहुल को इस मुकाबले में मौका नहीं मिला और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही पैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले ही 5 ओवर में भारत का स्कोर 30 रनों के पार पहुंचा दिया था। वैसे तो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा ही पहले 5 ओवर बल्लेबाज अपने आप को सेट करता है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। लेकिन अगले 5 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने वापसी की और दोनों ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। टीम इंडिया ने पहले 10 ओवर में केवल 47 रन ही बनाए थे, लेकिन यहां से शुरू होता है तबाही का मंजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने आए और श्रेयस की बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी, नॉर्थन लियोन के एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए। रोहित की बल्लेबाजी देख ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी बेहद खुश थे। अब यहां से रोहित शर्मा ने लय पकड़ ली थी। इसके बाद फिर क्या था, जो भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आता पर वहीं दूसरे बाउंड्री पर राह पकड़ता। उधर शुभमन गिल ने भी आखिरी T20 मुकाबले में लगाए अपने शतक वाली फॉर्म को बरकरार रखा था। पहले सेशन में टीम इंडिया का एक भी विकेट नहीं गिरा था और दोस्तों लंच तक टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 150 से ज्यादा रन बनाए। जहां रोहित शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए थे, तो वहीं शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक का आंकड़ा पार किया था। अब दूसरे सेशन में एक बार फिर से टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करने के लिए रणनीति बना रहे थे। ये पार्टनरशिप कैसे टूटे उनके लिए बड़ी चिंता का विषय था। उन्होंने रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पारी को समाप्त करने के बाद गेंद की जोश हेजलवुड को दे डाली और फिर क्या था, उनके एक ही ओवर में शुभमन गिल ने 4 चौके लगाए, जिनका पहला चौका स्टेट ड्राइव की तरफ तो दूसरा चौका उनका लॉग ऑन की तरफ, उसके बाद तीसरा चौका उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया था और चौथे चौके के रूप में कट शॉट लगाया था, जिसे देखकर कप्तान रोहित भी बेहद खुश नजर आए। वहीं शुभमन गिल की बल्लेबाजी देख हैरान और खुश दोनों से, हालांकि शतक के बेहद करीब पहुंच शुभमन गिल जल्दबाजी गिर गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस को अपना विकेट दे दिया। जी हां, विकेट के पीछे एलेक्स कैरी ने शुभमन गिल का कैच पकड़ा था। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर एंट्री होती है चेतेश्वर पुजारा की। पुजारा ने अपने कप्तान का साथ निभाना शुरू किया। रोहित ने देखते ही देखते छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। जी हां, लंच के आधे घंटे बाद रोहित शर्मा ने शतक लगा दिया था। इधर चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार हो गए। टीम इंडिया 236 रन पर अपनी 2 विकेट गवा चुकी थी, जहां शुभमन गिल 85 और चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा लगातार बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे, अब उनका साथ निभाने आ गए थे उनके सबसे करीबी दोस्त विराट कोहली। दोस्तों, विराट ने मैदान में उतरते स्टेडियम में अपना नाम की गूंज होने लगी। नागपुर के मैदान पर अब विराट कोहली का जलवा देखने वाला था। आपको बता दें, विराट ने खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ अपना खाता खोला। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के आते ही और भी अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, चाय तक टीम इंडिया का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था, जहां विराट ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया था, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी 148 रन बनाकर खेल रहे थे। बता दे, रोहित ने अब तक अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के भी लगाए थे। चाय के बाद एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर उतरे। विराट कोहली ने जैसे मन बना लिया था कि वो इस सेशन में अपना शतक पूरा कर लेंगे, वहीं रोहित शर्मा भी एक और कीर्तिमान के करीब थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। चाय के कुछ ही देर बाद विराट कोहली अपने शतक के करीब पहुंच गए। जब विराट 90 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उन्हें गेंदबाजी करने आए थे ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस। इरादे से कोहली को गेंदबाजी करने आए।
कि वो उन्हें शतक से रोक देंगे। लेकिन दोस्तों विराट तो कुछ और ही मन बनाकर उतरे थे। आपको बता दे पैट कमिंस के लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके ठोकते हुए विराट ने एक और शतक ठोक दिया। बता दे कोहली ने पैट कमिंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। इसके बाद फिर क्या था, पहले दिन का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में 180 रन बना लिए थे, तो उन विराट कोहली भी 110 रन बनाकर लाभार्थी। इन दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया टीम की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 512 रन था और भारत में मात्र 2 विकेट ही गवाए थे। ऐसा करने वाली टीम एकमात्र भारत ही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला पहला टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।